जिसका उन्होंने कहा था ब्रिक, ब्रिक हमारे पास इस फॉर्म में आती है और इस फॉर्म को हम कहते हैं इस फिगर को जो शेप है वो आएगी हमारे पास क्यूबॉइड। जिसका आपका शेप का नाम बताना था वो आएगी हमारे पास क्यूबॉइड। एक और एग्जांपल लेते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है बॉल। बॉल जो है हमारे पास सर्कल फॉर्म में होती है जिसका हम नेम दिया है, आपका शेप का नाम आ जाता है स्फीयर। थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमने टू टू एग्जांपल देने हैं। ऐसे फर्स्ट पार्ट उन्होंने अगेन स्फीयर बता दिया तो स्फीयर की हम टू एग्जांपल दे सकते हैं। वन ग्लोब, ग्लोब जो है वो हमारे पास स्फीयर फॉर्म में होता है। देन फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, एनी बॉल जो है वो हमारे पास स्फीयर शेप में आती है। इसी तरह से अगर एक और देखें कोन, थर्ड पार्ट है तो हमने कोन के एग्जाम्पल्स देने हैं। तो कोन हमारे पास क्या आ सकती है, बर्थडे कैप। देन हम लिख सकते हैं बर्थडे कैप, बर्थडे कैप जो हमारे पास कोन शेप में आती है। देन मेहंदी कोन, जो मेहंदी की कोन होती है वो हमारे पास इसी कोन शेप में बनाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव जो है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर फोर में उन्होंने हमारे पास टेबल दिया हुआ, टेबल में ऐसे हमारे पास फर्स्ट है शेप बनाई है, उसका नाम बताना है, फेसिस बतानी है, एजेस बतानी है और वर्टिसेस बतानी है। नंबर फोर और फाइव में हमने सेम बताना है कि हमारे पास कौन सी शेप दी और शेप का नाम क्या है, उसके कितने फेसेस, कितने एजेस और कितने वर्टिसेस होते हैं। तो हम एक सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट इस शेप में हमारे पास दिया है, इसको हम कहते हैं क्यूब। क्यूब के हमने देखने हैं कितने हमारे पास फेसेस होते हैं, कितनी तरह से हम इसको देख सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है, हमारे पास दिस साइड वन साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, एक अपर वाली साइड और एक लोअर साइड। तो हम इसको सिक्स तरह से देख सकते हैं, इसलिए इसमें हमारे पास आते हैं सिक्स फेसेस। देन है एजेस, एजेस मीन्स कितनी लाइंस है इसमें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, टोटल ट्वेल्व लाइन है, इसलिए आएगा हमारे पास ट्वेल्व एजेस। वर्टिसेस हैं, कॉर्नर्स कितने आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देन सेवन और एट, तो हमारे पास एट कॉर्नर्स आ रहे हैं जिसको हम कहेंगे एट वर्टिसेस। इस तरह से हमने सारे फिगर्स की फेसेस बतानी है, एजेस बतानी है और वर्टिसेस बतानी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी सेम इसी तरह से बताना है कि कितने हमारे पास कोन के कितने शेप, कितनी वर्टिसेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, सो ऑन। लास्ट क्वेश्चन मैचिंग है, जैसे उन्होंने फर्स्ट बोला हैज़ नो वर्टेक्स एंड ओनली वन कर्व सर्फेस, ऐसी कौन सी फिगर इसका कोई वर्टेक्स, मतलब जिसका कॉर्नर नहीं होता वो है स्फीयर, क्योंकि इसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता और एक ही कर्व सरफेस फेस होता है, ये कर्व फेस है, तो ये वो आएगा मैचिंग करेगा हमारे पास ये स्फीयर के साथ। इसी तरह से ये सेकंड है, हैज़ वन स्क्वायर बेस एंड फोर ट्राइंगुलर फेसेस, तो उन्होंने कहा कि एक जो है उसका स्क्वायर बेस होता है और बाकी उसकी जो है वो फोर ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं, तो वो आता है हमारे पास स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड जो है उसकी हमारे पास फिगर जो है वो आती है इस तरह से, नीचे जो है वो स्क्वायर फॉर्म में इस तरह से बना होता है और उसके ऊपर जो है हमारे पास फोर ट्राइंगल्स बने होते हैं, वन ट्राइंगल, देन यहाँ से सेकेंड ट्राइंगल, देन और यहाँ से इसको ज्वाइन करके एक और ट्राइंगल बनाया जाता है। इस तरह से इसकी स्क्वायर पिरामिड की फिगर जो ड्रॉ करके उसके उसके अंदर एक स्क्वायर बेस और हमारे पास फोर ट्राइंगल जो है वो यूज़ किए जाते हैं स्क्वायर पिरामिड में। इस तरह से हमने एक्सरसाइज फाइव आई जो है इसकी थ्री डायमेंशन शेप्स की सॉल्व करनी है।